हमने अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, टेल द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमने टोटल करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें बतानी है। ए स्टेटमेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये सही है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बी स्टेटमेंट है, एनीथिंग लेस देन अ कम्प्लीट सेल इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एनीथिंग लेस देन अ कम्प्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये एनसीईआरटी की लाइन भी है। सी स्टेटमेंट है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड अ डेड सेल ऑफ कॉक। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने किया था, ब्राउन ने नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। डी ऑप्शन है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ अ लिविंग सेल। तो ये सही है। तो हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो दो स्टेटमेंट्स अपनी करेक्ट हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपना ट्रू फॉल्स। इन 1839 मैथियास किल्डन अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो ये वाली लाइन भी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमें दी हुई है, जहाँ पे हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। लेकिन इसमें गलती ये है कि 1839 में नहीं, बल्कि शिकेल्डन ने 1838 में किया। सो इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि 18 ईयर हमें गलत दिया हुआ, लेकिन बाकी सारी लाइन सही है। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, टेल द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब ए ऑप्शन है, स्क्वैन इन 1839 अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि स्क्वैन ने ही 1839 में ये कहा था और एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है। बी स्टेटमेंट है, शिकेल्डन प्रपोज द हाइपोथीसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये लाइन भी सही है। सी ऑप्शन है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये स्टेटमेंट रॉबर्ट वर्चाउ ने दी थी। डी स्टेटमेंट है, रुडोल्फ वर्चाउ इन 1854 फर्स्ट एक्सप्लेन्स दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बाकी तो ये स्टेटमेंट पूरी सही है, पर उन्होंने हमें ईयर गलत दिया हुआ है। 1855 आना चाहिए था, तो ये हमारी गलत हो जाती है। तो अपनी तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हुई। अब अगला क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन, टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए है, सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव अ सेल मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ये सही है क्योंकि डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ह्यूमन सेल का सेल मेम्ब्रेन ही होती है। बी ऑप्शन, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये ऑप्शन भी सही है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। तो ये भी सही है। डी ऑप्शन है, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी ऑप्शन, तो आंसर इज डी। अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो ए स्टेटमेंट है, अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन रेडियस। अब ये स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी है क्योंकि हमें लगेगा कि सही है क्योंकि 7 माइक्रोमीटर हमने याद किया होता है, लेकिन 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, रेडियस नहीं। तो ये गलत हो जाएगी। तो अपनी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। बी ऑप्शन, सेल्स में भी क्यूबॉइडल इन शेप। तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है कि सेल्स में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, हमें ये दिया हुआ है। सी ऑप्शन है, WBCs आर राउंड इन शेप। ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि WBCs अमीबॉइड होते हैं और RBCs हमारे राउंड और बाई कंकेव होते हैं। तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हुई, तो ये ऑप्शंस भी गई। माइकोप्लाज्मा ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल, तो ये गलत हो गया क्योंकि माइकोप्लाज्मा ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल,
लॉन्गेस्ट तो अपना नर्व सेल होता है, तो आंसर अपना सी ऑप्शन आ गया, ओनली बी। अपना अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यूकैरियोटिक सेल्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। बी स्टेटमेंट है, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एज एन माइकोप्लाज्मा। अब ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल तो होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में एक्सेप्शन होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। सी ऑप्शन है, द प्लाज्मा डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। ये सही है। डी ऑप्शन है, नो ऑर्गेनल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये भी सही है। तो अपनी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं बी एंड डी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ना अगला क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, टेल द इनकरेक्ट वन। तो ये डायग्राम में एनसीईआरटी में हमें एक डायग्राम दी हुई है जिसमें हमें कुछ सेल्स की शेप दी हुई है और उनके नीचे उनका साइज लिखा गया, तो उसी से ये क्वेश्चन बनाया मैंने। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर है, तो ये सही है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर है, ये भी सही है। वायरसेस का साइज है 0.02 to 0.0, इसमें थोड़ी गलती है क्योंकि यहाँ पे 0.002 लिख लो आप, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका साइज 0.02 to 0.2 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर ही होता है, तो ये भी सही है। तो अपना इनकरेक्ट आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द सेल एनवलप कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। तो सेल एनवलप की तीन लेयर्स होती है, एक तो अपने ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फिर सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अपना नाइन्थ क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये सही स्टेटमेंट है, इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड द कैप्सूल वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द स्लाइम लेयर। ये गलत हो जाएगी क्योंकि लूज शीथ को हम स्लाइम लेयर कहते हैं और थिक एंड टफ को हम कैप्सूल कहते हैं, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा वर्ड, तो ये सही हो जाएगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी ऑप्शन है, अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इनटू द सेल। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल की एक्सटेंशन नहीं होती, तो आंसर आएगा अपना ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो सही आंसर है इसका, सी ऑप्शन। अपना अगला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड मीजोसोम्स व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अपनी पिगमेंट्स है जो वो मीजोसोम में नहीं होती, वो क्रोमैटोफोर्स में होती है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाए। हमारा जो 11th क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दी हुई है और ये और हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, द डैश आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और इसका सही आंसर आएगा, पिल्लाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। सो पिल्लाई इज द करेक्ट आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, द डैश आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। अब ये भी उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है जिसमें पिल्लाई दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर है, फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। तो हमें ये याद होना चाहिए कि पिल्लाई इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो हमारे फिम्ब्रे होते हैं वो हमारे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो पहली स्टेटमेंट है, इन यूकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब आप पहली बार जब पढ़ोगे तो आपको ये सही लगेगा, पर यहाँ पे गलती क्या है कि यूकैरियोट्स नहीं बल्कि प्रोकैरियोट्स आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, देयर हमारे
राइबोसोम का साइज दिया हुआ है, तो ये राइबोसोम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सो दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर्स बाय 20 नैनोमीटर्स इन साइज, तो ये ऑप्शन सही है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ये याद है तो आप कर सकते हो इसे अटेम्प्ट। सी ऑप्शन है, इंक्लूजन बॉडीज आर बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो ये स्टेटमेंट अपने गलत हो जाती है, क्योंकि जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, तो ये अपनी गलत हो जाएगी। फोर्थ है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो ये स्टेटमेंट अपनी सही है। सो इसका करेक्ट आंसर बी और डी ऑप्शन हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें हमें से कहा गया, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में हमें पूछा गया कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर बेसिकली आइडेंटिकल, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी की यूकैरियोटिक सेल्स का अगर आप पैराग्राफ पढ़ो तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट है, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल्स, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सेंट्रियोल्स ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। डी ऑप्शन है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर, इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट अपनी बी ऑप्शन है, तो आंसर इसका बी आ जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन एस्पेशली इन ह्यूमन डैश इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपने सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा हो, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे आरबीसीज पे स्टडी की गई थी, जिसके कारण हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेन कर पाए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आरबीसीज। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द इनर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द आउटर पार्ट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पोलर हेड होता है वो आउटर साइड पे होता है और हाइड्रोफोबिक टेल हमारी इनर साइड पे हो जाती है, तो इसमें एक्सचेंज कर दिया गया आउटर और इनर वाले वर्ड को, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, द नॉन पोलर टेल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने यहाँ पे अनसैचुरेटेड नहीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखा हो, तो ये वाली स्टेटमेंट काफ़ी ट्रिकी थी। अब सी ऑप्शन है, पेरिफेरल प्रोटीन्स लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ओनली टोटली बरिड इन द मेम्ब्रेन। अब वैसे ये स्टेटमेंट जनरली अगर आप देखो तो ये सही होगी, पर इसमें हमने ओनली लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन में नहीं होते। लेकिन एनसीईआरटी की अगर आप लाइन पढ़ो, उन्होंने लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाइज ऑन द सरफेस, लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो पार्शली या फिर टोटली बरी भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ओनली के कारण गलत हो जाती है, तो ये भी गलत होगी। डी स्टेटमेंट है, इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैव 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड्स, तो ये फैक्ट बेस्ड है और एनसीईआरटी में गिवन भी है, तो ये सही फैक्ट है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। हमसे चूज द करेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया, तो आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, तो हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इट एनेबल्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर।
ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं, वो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स को अलाउ करती है विद इन द बायलेयर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की 9 है। हमसे पूछा गया है कि द अबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स, तो इसका सही आंसर है फ्लूइडिटी। सो किसी भी चीज़ अबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन को हम फ्लूइडिटी कहेंगे, तो इसका आंसर फ्लूइडिटी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हमसे पूछा गया है कि टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ए स्टेटमेंट है, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल ही होती है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारी अगली स्टेटमेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये तो सही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, पर इसका एग्जांपल गलत दिया हुआ है। सोडियम कैल्शियम पंप नहीं था, सोडियम पोटाशियम पंप था, जिसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स, तो ये ऑप्शन तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है। सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि सेल वॉल एक टफ लेयर होती है जो कि उसको शेप प्रोवाइड कर देती है। सी ऑप्शन है, सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी सही है। अगली ऑप्शन देखते हैं अपनी डी ऑप्शन। प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली चेंजेस टू सेकेंडरी वॉल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम अपनी प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल में चेंज नहीं होती, बल्कि अपनी सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता रहता है प्राइमरी वॉल के ऊपर। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि अपनी प्राइमरी वॉल ही सेकेंडरी बन गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, तो ये वाली स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाती है, क्योंकि जो अपनी सेकेंडरी वॉल होती है वो आउटर साइड नहीं होती, वो इनर साइड होती है, तभी तो वो मेम्ब्रेन की तरफ होगी, तो इसमें आउटर नहीं इनर आना चाहिए था, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो अपना सही ऑप्शन जो है ए बी सी, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और सारा क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के लाइंस है। उसके बाद अपने 21st क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। इसमें पूछा गया, मेंशन द फोर सब्सटेंसेस ऑफ विच एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो जो एल्गी की सेल वॉल है वो सेल्युलोज की बनी, हम सेल्युलोज की बनी होगी, गैलेक्टिन्स की बनी होगी, मैनन्स की बनी की होगी और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस्ड है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद ही होनी पड़ेंगी, तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन अपना ट्रू फॉल्स। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। अब इस में ये वाली स्टेटमेंट एनसीईआरटी की अगर आप लाइन पढ़ो तो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जो सेल वॉल है और जो मिडल लैमेला है वो ट्रांसफर्स हो सकती है प्लाज्मोडेस्माटा से, जो कि कनेक्ट करते हैं अपने नेबरिंग सेल्स को, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसकी जगह फॉल्स आना था, तो ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो ये स्टेटमेंट अपनी सही है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन है, ईआर डिवाइड्स
इंट्रासेलुलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल आउटसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इनसाइड ईआर, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है, क्योंकि ल्यूमिनल होता है अपने ईआर के अंदर वाला और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है आउटसाइड ईआर। तो ये दोनों वर्ड्स मैंने एक्सचेंज कर दिए थे, इसी कारण ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है एससीआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो एससीआर नहीं आरईआर ज़्यादा होना चाहिए। सी ऑप्शन है आरईआर आर एक्सटेंसिव इन कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आर ई आर एक्सटेंसिव भी होता है और वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट में भी होता है। डी ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इसका सही आंसर अपना सी ऑप्शन आ जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। द गॉल्जी अपरेटस प्रिंसिपली फॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटीरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। सो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही भी है। 25th क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। गॉल्जी अपरेटस इज दिस इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो गॉल्जी अपरेटस के पैराग्राफ में हमें दिया भी हुआ है कि गॉल्जी अपरेटस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए गॉल्जी अपरेटस एक इम्पॉर्टेंट साइट है। तो हमने अपने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए, बाकी के 25 हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा पहले आप इसे खुद से ट्राई करो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। सो अगली वीडियो में हम अपने 26 क्वेश्चन से